आज 350 बसों का बसें शुरू की गई हैं दिल्ली में, सड़क पर उतारी गई हैं लोगों की सुविधा के लिए। इसके साथ दिल्ली में अब 1650 बसेस हो गई हैं इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली पूरे देश में पहले नंबर का शहर हो गया है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर का शहर हो गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो जैसा अभी एलजी साहब ने बताया कि इससे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। पहले जब ब्लू लाइन बसेस होती थी, डीजल से पेट्रोल से चलती थी, फिर सीएनजी बसेस आई और सीएनजी के बाद अब ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और हमारा एफर्ट है कि धीरे धीरे जो सीएनजी बसेस हैं उनको फेज़ आउट करके, जैसे जैसे फेज़ आउट होंगी नई सारी अब इलेक्ट्रिक बसेस आया करेंगे। सर, जो डीटीसी बसेस है उसमें सर महिलाओं के लिए फ्री है, अब थर्ड जेंडर के लिए फ्री कर दिया गया। सर, आम सभी नागरिकों के लिए फ्री कर दिया जाए ताकि वो निजी वाहन लाए ही ना। हम आपके इसके ऊपर गौर करेंगे। आज 350 बसों का बसें शुरू की गई हैं दिल्ली में, सड़क पर उतारी गई हैं लोगों की सुविधा के लिए। इसके साथ दिल्ली में अब 1650 बसेस हो गई हैं इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली पूरे देश में पहले नंबर का शहर हो गया है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर का शहर हो गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो जैसा अभी एलजी साहब ने बताया कि इससे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। पहले जब ब्लू लाइन बसेस होती थी, डीजल से पेट्रोल से चलती थी, फिर सीएनजी बसेस आई और सीएनजी के बाद अब ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और हमारा एफर्ट है कि धीरे धीरे जो सीएनजी बसेस हैं उनको फेज़ आउट करके, जैसे जैसे फेज़ आउट होंगी नई सारी अब इलेक्ट्रिक बसेस आया करेगी। सर, जो डीटीसी बसेस है उसमें सर महिलाओं के लिए फ्री है, अब थर्ड जेंडर के लिए फ्री कर दिया गया। सर, आम सभी नागरिकों के लिए फ्री कर दिया जाए ताकि वो निजी वाहन लाए ही ना। हम आपके इसके ऊपर गौर करेंगे।